ये सर ये आज यहाँ में आप लोग आपका मतलब जेड पी एम पब्लिक लीडर्स और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से ये असेसमेंट लेने आया है स्पोर्ट विजिट कर रहे हैं तो एज ए जेड पी एम आपका एरिया में इतना सारा डैमेजेस हो रहा है तो टोटल डैमेजेस एज पर रिपोर्ट कितना हेक्टेयर से है और कितना लोगों का कितना फेमिली इसको इफेक्ट हो रहा है हाँ आज का दिन में हम लोग मैबो का हम लोग का सब डिवीज़न का ई एस साहब साथ में है और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर और फॉरेस्ट रेंज और बस्ती का गांव बुढ़ा मेंबर से बस्ती विलेज सेक्रेटरी yes. सब जाके हम लोग एसेसमेंट किया है जाके हम लोग सर्वे किया है yes. तो हम लोग का सर्वे का आज का जाने का हिसाब से वो भी देखा है तो कम से कम 200 हंड्रेड जमीन yes. बस्ती का गांव का जमीन yes. ये सियांग नदी ले गया पूरा ले गया इरोडेट हो गया इरोडेट लैंड कम्प्लीटली लग गया और जो अभी बादशाह है अभी यहाँ में कम से कम मोर देन फिफ्टी फैमिलीज एवोप का जमीन अभी समर्स हो गया नदी का जमीन डब्ल्यू आर सी फील्ड कम्प्लीटली मतलब सियांग नदी के अंदर में वो भी ये समर्स हो गया अभी कम से उसमें मतलब ये जित अभी देखिए यह हमें धान सब लगाया था धान yes. बाढ़ खेती और बाकी ये बम्बू गार्डन और बाकी ये हॉर्टिकल्चर का भी सब जितना था yes. सब अभी कम से कम फिफ्टी हाउसेस एब से yes. एब का ये फैमिलीज का yes. सब समर्श हो गया अभी okay. तो उसमें उस हम ओके ये अब आपका तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश को कुछ अपील रहेगा ताकि गवर्नमेंट का तरफ से कुछ रिलीफ दिया जाए या कुछ असिस्टेंस दिया जाए अपील तो हम लोग करता है पहले हम लोग का दो तीन साल पहले भी हम लोग जब ऐसा समर्थ ये प्लांट सियांग नदी किया था तब तो से तभी तो हम लोग को कुछ अभी तक तो मैंने गवर्नमेंट साइड से कुछ मदद नहीं मिला है लेकिन अभी देखता है हम लोग हमें भरोसा है रखता है अभी yeah. आज का ये मेर मेरगांव का मेर बस्ती का yeah. अभी इतना धूप कोसते इतना बारिश हो के भी हम लोग पानी में जाके इतना कोसते हम लोग सर्वे किया है yeah. तो इसी डेमेज को जैसे भी हम हमारा आशा है भरोसा है yes. गवर्नमेंट ये हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट को yes. और हम लोग का सीएम पेमा कान्डू जी और डिप्टी सीएम सोना मेन जी का साथ में और हम लोग का ई सियांग डिस्ट्रिक्ट हम लोग के ये ताटिना नाइन का एम एल ए सी ऑनरेबल एम एल तेंग yes. है और मैबोब का और डी सी डी yes. सी और हम लोग का ये एस सी साहब सब मिल के yes. ये अगर ये काम हम लोग जो हम लोग का जरूरत है उसको हम लोग ये रिपोर्ट यहाँ से भेज देगा ये ए सी लोग ए डी सी सार लोग यहाँ से रिपोर्ट भेज देगा तो उसी का मुताबिक अगर सेंक्शन होगा तो बहुत अच्छा होगा बहुत हम लोग का गाँव वाला को ये सहायता होगा ये। हम भरोसा रखता है जैसे भी हम लोग का मदद करेगा ये इस गाँव बुरा आ, आप विलेज का हेड है तो इसमें अभी का जो टोटल डैमेजेस है मतलब आप भी सबसे ज़्यादा अच्छा जान पाएंगे और बोल पाएंगे तो इसमें टोटल डैमेजेस जो मॉडन टू हंड्रेड हेक्टेयर्स डब्ल्यू आर पील जो अभी टोटल अभी सबमर्जेंस में है तो कहा जा रहा है ये मॉडन फिफ्टी फेमिलीज़ का है और उसके साथ साथ वहाँ उस पर यहाँ पर जो सियांग ऑलरेडी जिसको इरोजन कर चुका है उसमें भी पाँच फैमिली का मतलब कम्प्लीट ये इरोजन हुआ है उसके साथ साथ अराउंड लगभग दो सौ हेक्टेर का वहाँ भी इरोजन हुआ है बोला है तो इसमें आप क्या डिटेल देना चाहेंगे थैंक यू जो अभी जेपीएम सर ने बताया और ए सर मैबू का ए सर बताया हम लोग भी खुद देखा है और आप लोग भी सब देख रहे हैं जितना वो विजिट करके आया है तो तो फिफ्टी फैमिलीज का फिफ्टी मोर देन फिफ्टी फैमिलीज का सब ये दान खेती तो सब मरजन हो गया और जितना इसमें बैक साइड में है उसका तो पास पाइप मेंबर्स पाइप हाउसेस का खेती सब पानी के अंदर में चला गया और मिट्टी तो बहुत गया ये बोलने से दो तीन किलोमीटर यहाँ से उधर तक था लेकिन सब खत्म हो गया अभी गवर्नमेंट को स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट को कुछ आपका तरफ से कुछ पहल रिक्वेस्ट रहेगा स्पेशली यहाँ पे कुछ प्लाट कंट्रोल या कुछ रिलीफ वगैरह इसके लिए हाँ, वो तो स्टेट गवर्नमेंट से और हम लोग का ऑनरेबल सीएम से हम यही रिक्वेस्ट <coughs> करता है कि जितना हो सके हम लोग को मदद करें सर एज अस सी एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू आर टेकिंग स्टॉक ऑफ सिचुएशंस हियर सो व्हाट इज़ द ओवरऑल एसेसमेंट रिपोर्ट फ्रॉम योर साइट थैंक यू जैसे कि अभी जेड पी एम साहब ने भी बताया है कि हम लोग यहाँ में क्लोजली uh, मॉनिटरिंग कर रहा है ये देख रहा है जी इन्वॉल्विंग ऑल डिपार्टमेंट Yes. तो हम लोग अभी जो है डिटेल रिपोर्ट जो है अभी हम लोग आ, इतना डैमेजेस एक्सटेंड हुआ है बोल के नहीं बोल सकता है yes. आ, ये देखने से जो है मतलब आज का जो जो आजकल का जो रिसेंट ये जो है yes. प्लाट से जो है पानी का जो जो ब, पानी का बढ़ने का कारण से जो है यहाँ में कोई मतलब मथोड़ी भी जो बंद yes. जो रिसेंटली बनाया है yes. वो तीन चार जगह में टूटा है yes. वही मेन रीज़न है जो कि मतलब डब्ल्यू आर सी पील के अंदर में पानी अंतर होने का कारण जो है yes. तो वो हम लोग देख रहे हैं कि मतलब उसको जो है हम लोग जो ये है अंदर में जाके जो है पानी कितना पेडी पील को डैमेज हुआ है yes. उसको हम लोग ये करेगा एस एस करेगा उसके बाद में इंडिविजुअल का जो 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 इंडिविजुअल है yes. जो डब्ल्यू आर सी पिल ऑनर है yes. उसका कितना नुकसान पहुँचाया है उसको हम लोग एसेस करके जो है हम लोग बर, हम लोग उस समय में ही एसेसमेंट होने में हाँ फाइनल असेसमेंट होने के बाद में ही बता पाएगा यस जैसे जबकि हम साहब ने बोला कि मतलब अभी लगभग मोर देन फिफ्टी फैमिलीज का यहाँ में जो डब्ल्यू आर सी पेजी फिल्ड से सबवर्जेंस हो गया और एय टोटेलिंग अराउंड मॉडन टू हंड्रेड हेक्टर्स तो और उसके बाद जो अभी अराउंड टू हंड्रेड हेक्टर्स ऑलरेडी सियांग इरोजन हो चुका है तो इसको आप कितना मतलब ये करते हैं सर्टिफाई थौर् करते हैं या वेरीफाई करते हैं ना ये, ये कोई जो पोर्शन है टू हंड्रेड जो मीटर है टू yes. हंड्रेड जो मीटर अंदर में जो समर्थ हो, हो गया बोल रहा है उसको तो अभी तो डिटेल एसेसमेंट तो हम लोग नहीं कर सकता है इस बुक yes. जो है क्योंकि yes. पानी प्लट भी प्लट प्लट लाइक अभी प्लट सिचुएशन yes. प्लट ही हो रहा है तो उसका जो है हम लोग बाद में देखेगा कि मतलब कितना मतलब ये हुआ डैमेज हुआ है उसको हम लोग देखता है और आपके साथ साथ आ, कौन सा डिपार्टमेंट आपके साथ है? आज, यहाँ पे में आया है आज यहाँ पे जो है हम लोग एग्रीकल्चर yes. जो ए डी ओ है yes. मेवो के वो yes. आया आई है yes. देन आर एफ ओ आया है yes. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, से yes. देन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर आया है मेवो का yes. तो ऐसा करके जो है हम लोग डब्ल्यू आर डी डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व किया है यहाँ पे तो हम लोग देख रहा है